सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, वसुदेव जी को ये पता नहीं है कि ये भगवान है, ऊपर जो बैठा है ये भगवान। जैसे हम अपने बच्चे को चाहते हैं, अपने बालक को कोई मारने के लिए अपना अपना कोई बसना हो, वो कोई अपने बच्चे की हत्या करने के लिए तैयार हो, बताओ क्या स्थिति बनेगी जीवन। वसुदेव जी महाराज रोने लगे, कैसे पहुंचूं नंद जू के द्वार। वसुदेव जी कहते हैं कि वो तो काल बैठा ही है, लेकिन यमुना महारानी आपके विषय में तो हमने सुना है, यमुना ए अधमे उदाहरण हम जानी, यमुना अधमे उदाहरण हम जानी। हे यमुना महारानी, हम जानते हैं आपके लिए कि आप अधमों का भी उद्धार कर देती है, लेकिन इस वसुदेव ने क्या अधमपना कर दिया जो इसके जीवन में इतना संकट आया है। हे मैया, तुम तो बैरिन मत बनो, कंस बैरी बना है, मेरे बच्चों को मारता है, लेकिन मैया तू तो जगत का पालन करने वाली है, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू ही मेरी रक्षा कर दे। कैसे पहुंचू नंद जू के द्वार, यमुना बैरिन भई। तो जी महाराज विचार करते हैं कि यमुना मैया तुम्हें बैरी बन रही हो, दया करो ये मैया, हम आपसे माँ कहते हैं। भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी वसुदेव जी के कि जब माँ कहते हो तो विश्वास करो, आगे बढ़ो। और वसुदेव जी महाराज ने कहा कि यमुना मैया अब चाहे मारो चाहे तुम बचाओ, लेकिन पीछे नहीं मुड़ करके जाऊंगा, पीछे मुड़ के जाऊंगा तब भी मरूंगा, मेरा बालक भी कम समार डालेगा, इसलिए यदि हम दोनों मर रहे हैं तो हे यमुना मैया हम तुम्हारी जल में दोनों प्रवेश करे जा रहे हैं, और वसुदेव जी यमुना जी में फंस जाते हैं। इतनी गहराई में पहुंच गए कि वसुदेव जी के गले तक जल आ गया, और वसुदेव जी चिल्लाए, हे देवताओं, हे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, यदि तुम्हारे कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो अब इस लाल को बचा लेना, हम तो अब बचने वाले नहीं है, इस जल में हम तो डूबे जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, यमुना महारानी में जो बाढ़ है वो तो ठीक है, और यमुना माँ है, नर्मदा मैया है, गंगा मैया है, और संसार में मृत्यु का तो व्यक्ति का कारण बनता है, और यदि माँ चाहे तो माँ बचा सकती। अभी हमारे पत्रकार जी को यहाँ तक याद होगा, क्योंकि जो जिस बात का पता अपने लिए नहीं चलता वो पत्रकारों के लिए पता चल जाता है। एक कोई बुढ़िया कहाँ बर्मान घाट से कहाँ से बही थी, और यहाँ झिकोली या कहीं नर्मदा जी में बहते हुए आई, तो जिसको बचाना है तो उस बुढ़िया से पूछा लोगों ने, तो कहा मैं कहीं कहीं तो पैदल चल के आई जल में, ऐसे 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 क्या महिमा है। हमारी ये देव नदियां पावन नदियां, और हम हमेशा भैया निवेदन करते हैं कि आज भी प्रत्यक्ष ऐसी घटनाएं घटती हैं कि भगवती रेवा बताती है कि मैं हूं, तो जिसको बचाना चाहे उसको बचा लेती है मैया। यमुना मैया में जो बाढ़ है, सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, यमुना मैया आज बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। यमुना मैया बहुत गदगद है, किस बात को लेकर के गदगद हैं? यमुना मैया को सबसे बड़ी खुशी है कि आज हमारे पतिदेव जा रहे हैं, यमुना जी मुझ में से मेरे जल में से पार होकर के मेरे पतिदेव जा रहे हैं। अच्छा एक बात विचार करो, किसी पत्नी ने अपने पति को बच्चे के रूप में नहीं देखा होगा, देखा हो तो बताओ भाई ये कार्य प्रमाण हो है किसी के पास में कि पत्नी ने अपने पति को छोटा सा ललना देख लिया हो? कोई नहीं होगा संसार में, ऐसी कोई पत्नी नहीं होगी जिसने अपने पति को छोटा सा बच्चा बना हुआ देखा हो। और यमुना मैया के पति हैं भगवान, आठ पटरानियों में एक पटरानी यमुना जी हैं भगवान कन्हैया की, तो यमुना मैया खुश हो रही है कि किसी ने अपने पति को बालक रूप में नहीं देखा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरे पति देव बालक बने हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं।
मैं जब तक इनके चरणों का स्पर्श नहीं कर लूंगी तब तक तो मैं अवतार हो ही नहीं सकता। भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो यमुने, तुम हमारे पिताजी को बहुत घबरवा रही हो, हमारे पिताजी रो रहे हैं, हमारे पिताजी इतने दुखी हैं, उनके दुख को समझो तुम। अपनी खुशी अलग है, ठीक है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति रो रहा हो तो जरा उसके ऊपर भी ध्यान दो। दुखी व्यक्ति के सामने अपनी प्रसन्नता नहीं जताना चाहिए, ये मानवता है। कोई आदमी दुखी है और अपने साथ में कोई ऐसी अच्छा काम हो गया कि अपन खुश हैं, लेकिन दुखी आदमी के सामने अपना सुख प्रदर्शन करेंगे तो उसको और ज्यादा दुख होगा। भगवान ने कहा कि हे यमुने, हम तुम्हारी कामना को समझ रहे हैं। तो भगवान ने टोकनी में से अपना नन्हा सा छोटा सा चरण लटका दिया, यमुना मैया ने अपने जल का वेग बढ़ाया। बाढ़ जब आती है तो अपने यहाँ की भाषा में कहते हैं कि नदी में बहुत पल्लड़ चल रहे हैं, अर्थात जल उछल रहा है। और जैसे ही जल उछला, भगवान के चरणों को यमुना जी ने धो दिया, और जैसे ही चरणों को धोया तुरंत यमुना मैया घूंटे से नीचे बहने लगी। बोलिए यमुना महारानी की जय। वसुदेव जी महाराज पहुंच गए यशोदा मैया के पास, लाला को सुलाया है, वो बिटिया को उठाया है, और जैसे भगवान को लेकर के आए थे वैसे कन्या को लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं रात में ही। तो यहाँ भगवान जब आए थे तो पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे और ताले टूट गए थे, लेकिन जैसे कन्या को लेकर प्रवेश करते हैं पहरेदार जागने लगते हैं, ताले ज्यों के ज्यों बंद होने लगते हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, पता है आपको, जब भगवान को व्यक्ति सिरोधार्य करता है तो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के गए तो जन्मे सिंह भगवान जहल दरबार मुरलिया वाले खुल गए जहल के ताले, दुनिया के ताले खुल जाते हैं। इसलिए भगवान को मस्तिष्क पर धारण करो, भगवान को मानेंगे तो बंधन से मुक्त होंगे, तो माया को मानेंगे तो बंधन से युक्त होंगे। बस मुक्त और युक्त होने का यही उपाय है, माया के पीछे भागेंगे तो बंधनों से युक्त हो जाएंगे, बंधन में पड़ जाएंगे, और भगवान को मानेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे।